हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज देखिए, मैं ये पोंचो बनाकर लाई हूँ और ये पोंचो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए, इसका डिज़ाइन ये इस तरह से आया है। देखिए, ये मैंने लेडीज़ के लिए बनाया है। देखिए, इसमें मैंने ये नीचे पोम-पोम भी लगाए हैं और देखिए इस तरह से इधर भी मैंने पॉम पॉम लगाए हैं दोनों तरफ। अब देखिए, मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ कि इसकी लेंथ मैंने कितनी रखी है। देखिए, ऊपर से नीचे तक इसकी लेंथ है 66 सेंटीमीटर। 66 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 26 इंच है, ये इसका मैंने मेजरमेंट रखा है। और देखिए, इसमें बूल लेनी है 400 ग्राम, इसमें बूल लेनी है 100-100 ग्राम लेनी है चारों कलर की। और इसके लिए 4 मिलीमीटर का क्रोशिया हुक लेना है। और देखिए, ये बूल मैंने ओसवाल की ली है, माइक्रो बूल है ये ओसवाल की, 3-ply, 3-ply ये बूल है। देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट बूल है। देखिए, ये आपको लेनी है 400 ग्राम। देखिए, अब मैं पोंचो को बुनती हूँ, पोंचो को बुनना है। देखिए, अब मैं पोंचो को बुनती हूँ। सबसे पहले मैं चेन बनाऊँगी। देखिए, इस तरह से नोट बांधूंगी मैं, ये मैंने नोट बांध ली है। अब नोट बांधने के बाद इसमें मैं 103 चेन डालूंगी, 103 चेन डालना है, तो इस तरह से डालूंगी मैं। पूरी चेन इसी तरह से डाल ली है। देखिए, ये मैंने 103 चेन डाल दी है, इस तरह से आई है पूरी चेन बनकर। अब देखिए, मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पर ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच लेते हुए। इस तरह से मैंने स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दिया है। देखिए, इस तरह से ये आ गई है चेन। देखिए, अब देखिए, इसमें मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी, पूरी चेन में, पूरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालना है। 1 और 1 ये 2, 2 की चेन और हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया डालना है पूरी चेन में, हाफ डबल क्रोशिया डालना है। हाफ डबल क्रोशिया देखिए, इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया आ रहे हैं और पूरी चेन में डालना है। हाफ डबल क्रोशिया डालना है। देखिए, ये मैंने पूरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, पूरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए, मैं इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पर ज्वाइन करना है,
इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। पूरी चेन में मैंने ये हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। इस तरह से ये आ गई, चेन बनकर आ गई है। देख, अब देखिए मैं इसमें डिज़ाइन डालती हूँ। डिज़ाइन को डालना है और देखिए यहाँ पर मैं मार्क लगा देती हूँ, 51 पर मैं मार्क लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह से काउंट करने के बाद मार्क लगाना है। देखिए यहाँ पर मैं मार्क लगाऊंगी। फिफ्टी वन के बाद मैंने ये मार्क लगाया है यहाँ पर। अब देखिए मैं इसमें डिज़ाइन डाल देती हूँ। डिज़ाइन डालना है, डिज़ाइन को डालना है। देखिए इस तरह से डिज़ाइन को डालना है। 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन। और देखिए 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने ये 6 की चेन डाल दी है और 2 चेन को स्किप किया है यहाँ पर। अब 1 2 3 3 की चेन, 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए 1 2 3 3 की चेन, 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। देख इस तरह से 3 की चेन सिंगल क्रोशिया, 3 की चेन सिंगल क्रोशिया। वन टू थ्री, 3 की चेन, 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन, 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए यहाँ पर मैंने ये 6 की चेन और यहाँ पर 3 की 3 3 की और यहाँ पर 6 की, इस तरह से मैं ये डिज़ाइन डाल रही हूँ। 1 2 3 3 की चेन, 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। 1 2 3 3 की चेन, 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। 3 की चेन, 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। देख 3 जगह मैंने ये 3 की चेन बनाई है, 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3 और यहाँ पर 6 की चेन। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मैंने ये 6 की चेन डाल दी है। अब 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। 1 2 3 3 की चेन, 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। 3 की चेन, 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए इसी तरह से मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ। 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए 1 2 3 3 3 जगह 3 की चेन, यहाँ पर 6 की चेन। 1 2 3 4 5, 6 की चेन, 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना। अब 1 2 3 3 की चेन, 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना। इस तरह से 1 2 3 3 की चेन, 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना। 1 2 3 3 की चेन, 1 2 2 चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरह से ये मैंने 3 3 की चेन डाल दी है और सिंगल क्रोशिया, 3 की चेन सिंगल क्रोशिया, 3 की चेन सिंगल क्रोशिया, इस तरह से।
अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन और 1 2 2 चेन को स्किप करना है जहाँ पर मैंने ये मार्क लगाया था, यहाँ पर मैं डालूँगी सिंगल क्रोशिया। 1 2 2 चेन को स्किप करना है और यहाँ पर डालना है सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये मैंने सिंगल क्रोशिया डाल दी है। देखिए ये कोना आएगा यहाँ पर और एक कोना यहाँ पर आएगा, दो कोनर आएंगे ये। देखिए एक ये फ्रंट में आएगा और एक ये बैक में आएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन और देखिए 1 2 2 चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से। देखिए यहाँ पर भी 6 की चेन और यहाँ पर भी, देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से ये आ रहा है डिज़ाइन। देखिए जैसे मैंने ये इधर की साइड बुना है वैसी मैं इधर की साइड बुनूंगी। देखिए एक ये फ्रंट में आएगा और एक ये बैक में आएगा। वन टू थ्री, 3 की चेन, 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। 1 2 3, 3 की चेन, 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। 1 2 3, 3 की चेन, 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए 3 की चेन सिंगल क्रोशिया, 3 की चेन सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से अब डालूंगी मैं 6 की चेन। 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन, 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए 3 की चेन, 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से। देखिए अब 1 2 3 3 4 5 6, 6 की चेन, 1 2 2 चेन को स्किप करना है और यहाँ पर मैं इस तरह से ज्वाइन कर दूँगी। इस तरह से ज्वाइन मैंने ये कर दिया है, देख इसको। और ये देखिए इस तरह से बनकर आ गया है पोंचो का गला। इस तरह से ये गला बनकर अब आ गया है। देखिए इधर भी 1 2 3 और इधर भी 1 2 3 और यहाँ पर ये टू जगह, एक ये फ्रंट में आएगा और एक ये बैक में आएगा कोना। अब देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। नेक्स्ट रो बनानी है। अब देखिए मैं इसमें डिज़ाइन डालती हूँ। 1 2 3, 3 की चेन और डबल क्रोशिया। देखिए इसमें मैं 10 डबल क्रोशिया डालूंगी। ये हो गए हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। देखिए इसमें मैंने ये 10 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अभी यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये 3 की चेन डाली थी, सिंगल क्रोशिया लेना इस तरह से। देखिए 1 2 3, 3 की चेन और यहाँ पर डालना है सिंगल क्रोशिया लेते हुए इस तरह से। फिर 1 2 3, 3 की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनना इस तरह से। देखिए पहले ये 3 थे, अब ये 2 हो गए हैं, 1 और एक ये 2। देखिए अब यहाँ पर डालूँगी मैं 10 डबल क्रोशिया।
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और एक ये टेन। देखिए टेन डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए, देखिए यहाँ पर भी टेन और यहाँ पर भी मैंने ये टेन डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अभी यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेकर बुनना है, यहाँ पर मैंने ये सिंगल क्रोशिया लेकर बुन दिया है। अब वन टू थ्री, थ्री की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर वन टू थ्री, थ्री की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। देखिए इस तरह से थ्री की चेन सिंगल क्रोशिया, थ्री की चेन सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर टेन डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर डालूँगी मैं टेन डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर भी मैंने ये टेन डबल क्रोशिया डाल दिए, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अभी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेना इस तरह से, फिर वन टू थ्री, थ्री की चेन सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री, थ्री की चेन और सिंगल क्रोशिया। अब देखिए ये सिक्स की चेन आ गई है, अब यहाँ पर भी मैं टेन डबल क्रोशिया डालूँगी। ये मैंने टेन डबल क्रोशिया डाल दिए, अभी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेना इस तरह से, अब वन टू थ्री, थ्री की चेन सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री, थ्री की चेन और ये सिंगल क्रोशिया। देख जैसे मैंने ये डाला था, यहाँ पर डाला यहाँ पर, वैसे मैंने ये इधर डाला है। अब देखिए ये पोना आ गया है, देखिए अब देखिए ये पोंचों की फ्रंट साइड आ गई है। अब यहाँ पर मैं टेन डबल क्रोशिया डालूँगी इसमें, वन एट नाइन और एक ये टेन। ये देखिए मैंने टेन डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए अब यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया डालूँगी इस तरह से, देखिए अब वन टू थ्री, थ्री की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री, थ्री की चेन सिंगल क्रोशिया। कोना आ गया है, फ्रंट साइड आ गई है ये पोंचों की। अभी यहाँ पर मैं टेन डबल क्रोशिया डालूँगी इधर और टेन इधर, तो इस तरह से डालना है। देखिए डबल क्रोशिया को वन टू नाइन और एक ये टेन। देखिए ये मैंने टेन डबल क्रोशिया डाल दिए। अब टेन डबल क्रोशिया मैं इधर डालूँगी इस तरह से। नाइन और एक ये टेन, देखिए ये मैंने टेन टेन डबल क्रोशिया डाल दिए। देखिए यहाँ पर भी टेन टेन डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी टू जगह, यहाँ पर भी मैं टेन टेन डबल क्रोशिया डालूँगी। जैसा मैंने इधर की साइड बुना है वैसी मैं इधर की साइड बुनूँगी, इसी तरह से बुनना है। देखिए अभी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेना इस तरह से, देखिए थ्री की चेन सिंगल क्रोशिया, थ्री की चेन
थ्री की चेन सिंगल क्रोशिया, थ्री की चेन सिंगल क्रोशिया। देख यहाँ पर मैं 10 डबल क्रोशिया डाल रही हूँ। ये मैंने 10 डबल क्रोशिया डाल दिए, इधर भी 10, इधर भी 10। अब इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पर ज्वाइन करना, इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आ गया है। इधर भी 10 10 डबल क्रोशिया, इधर भी 10 10, बीच में यहाँ पर 20 और इधर भी 20। अब देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। वन टू थ्री, थ्री की चेन और डबल क्रोशिया, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और एक ये 10। देख इसमें मैंने ये 10 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया डाले हैं, 10 डबल क्रोशिया नीचे डाले हैं, 10 ही डबल क्रोशिया मैंने ये ऊपर डाले हैं। अब देखिए फिर इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेकर बुनना है, थ्री की चेन में ऐसे, देखिए इस तरह से, फिर वन टू थ्री, थ्री की चेन और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया लेकर बुनना इस तरह से। देख पहले ये थ्री थे, फिर ये टू रह गया, अभी ये वन रह गया है। देख यहाँ इस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं 10 डबल क्रोशिया ही डालूंगी इसके ऊपर, 10 डबल क्रोशिया के। नाइन और एक ये 10। देखिए 10 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए, डबल क्रोशिया के ऊपर ही मैंने ये डबल क्रोशिया डाले हैं। देखिए 10 डबल क्रोशिया के ऊपर ही मैंने ये डबल क्रोशिया डाले हैं। अभी यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया डालूँगी इस तरह से, फिर वन टू थ्री, थ्री की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। देखिए ये वन रह गया है, देखिए नीचे ये थ्री थे, फिर टू, फिर ये वन। अब डालना है 10 डबल क्रोशिया। नाइन और एक ये 10, 10 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेना है, फिर वन टू थ्री, थ्री की चेन और सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से आ रहा है ये डिज़ाइन। अब यहाँ पर डालूँगी मैं 10 डबल क्रोशिया, वन टू नाइन और एक ये 10। देखिए 10 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेकर बुनना इस तरह से, फिर वन टू थ्री, थ्री की चेन और सिंगल क्रोशिया। देख इस तरह से। अब देखिए ये 20 डबल क्रोशिया आ गए हैं, ये 20 डबल क्रोशिया आ गए हैं। तो यहाँ पर भी मैं 20 डबल क्रोशिया ही बुनूंगी, 10 इधर बुनूंगी और 10 इधर बुनूंगी। टोटल इसमें 20 डबल क्रोशिया बुनना है।
9 और एक ये 10, ये मैंने 10 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और 10 डबल क्रोशिया मैं इधर डालूंगी। और एक ये 10, देखिए 10 डबल क्रोशिया मैंने इधर डाले हैं, 10 इधर डाले हैं, टोटल इसमें ये 20 डबल क्रोशिया मैंने डाल दिए हैं। देखिए इस तरह से आ गई है रो बनकर, इस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है। 10 डबल क्रोशिया के ऊपर ही मैंने ये डबल क्रोशिया डाले हैं। और जैसे मैंने देखिए इधर की साइड बुना है, वैसी मैं इधर की साइड भी बुनूंगी, इधर की साइड भी इसी तरह से कंप्लीट करना है। सिंगल क्रोशिया लेना है इस तरह से, वन टू थ्री, थ्री की चेन, सिंगल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया के ऊपर ही 10 डबल क्रोशिया डालना है। रो को कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पर डालूंगी मैं 10 डबल क्रोशिया, 1 2 3 9 और एक ये 10। देखिए ये मैंने 10 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब इसको मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर दिया है, इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए देखिए इस तरह से मैंने ये डाल दिए हैं 10 10 डबल क्रोशिया, इस तरह से ये पोंचो आ रहा है। देखिए इस तरह से आएगा, देखिए इस तरह से आएगा ये पोंचो बनता हुआ, 1 2 3 और एक ही 4, 4 की चेन और डबल क्रोशिया। देखिए मैंने 4 की चेन डबल क्रोशिया डाल दिए, फिर 1 चेन डबल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया ही डालने हैं, 1 चेन डबल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया डालने हैं, 1 चेन डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया, इस तरह से 10 डबल क्रोशिया डालने हैं। ये हो गए हैं 10 डबल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया मैंने डाल दिए हैं, बीच में 1 की चेन, 1 चेन डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया, टोटल 10 डबल क्रोशिया। यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया डालूंगी इस तरह से, और फिर यहाँ पर भी मैं 10 डबल क्रोशिया डालूंगी, बीच में 1 चेन। देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया ले ली है, अब डबल क्रोशिया डालना है यहाँ पर, 1 चेन डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया, इस तरह से 10 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 1 2 3 4 5, देखिए 10 10 डबल क्रोशिया डाल दिए। देखिए यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये 3 की चेन डाली है, यहाँ पे डालना है, देख सिंगल क्रोशिया डालूँगी इस तरह से, इस तरह से सिंगल क्रोशिया डाल दिया है,
अब देखिए यहाँ पर मैं 10 डबल क्रोशिया डालूँगी, वन चेन डबल क्रोशिया, वन चेन डबल क्रोशिया, 10 है तो 10 डबल क्रोशिया ही डालना है, वन चेन डबल क्रोशिया, वन चेन डबल क्रोशिया। देख काउंट कर लें, 10 डबल क्रोशिया ही डालने हैं, 1 2 3 4 5 10 हो गए हैं ये। यहाँ पर 3 की चेन ली थी, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना है और फिर यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया, बन चेन डबल क्रोशिया, बन चेन डबल क्रोशिया। देखिए मैं अच्छे से इसको बता रही हूँ। ये हो गए 10 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना है, इस तरह से बुनना है, फिर 10 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर मैं 20 डबल क्रोशिया डालूँगी, 1 चेन डबल क्रोशिया, वन चेन डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने ये 20 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, वन चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10, 20 डबल क्रोशिया मैंने इसमें ये डाल दिए हैं। देख और यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया। देखिए जैसे मैंने ये इधर की साइड बुना है वैसे मैं इधर की साइड भी बुनूंगी। 10 10 डबल क्रोशिया डालने हैं और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर 3 की चेन में और बाकी 10 डबल क्रोशिया, वन चेन बीच में, वन चेन, वन चेन लेना है बीच में। देखिए इस तरह से मैंने वन चेन डबल क्रोशिया, वन चेन डबल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया डाल दिए, 5। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ, ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है, देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है, 10 10 डबल क्रोशिया और वन चेन डाले हैं मैंने, वन चेन 10 डबल क्रोशिया, वन चेन 10 डबल क्रोशिया, इस तरह से आएगा ये पोंचो। देखिए एक बार आप गले में डाल कर देखें इसको, अगर ये छोटा आए तो आप इसमें चेन को इंक्रीज कर सकते हैं, ये डिज़ाइन भी इंक्रीज होगा चेन के साथ में। यहाँ मैंने 3 डिज़ाइन डाले हैं तो आप 4 डाल लें, इधर 4 इधर और 4 इधर, ये डिज़ाइन भी इंक्रीज होगा। इस तरह से आप चेन को डालें जिससे कि एक डिज़ाइन इसमें एक्स्ट्रा हो जाए, छोटा आए तभी आप इसको इंक्रीज करना, नहीं तो नहीं करना। देखिए अब इसमें मैं ये पिंक कलर लगाती हूँ, पिंक कलर लगाना है तो इस धागे को मैं यही कट कर देती हूँ, इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए कट करना है धागे को। धागे को मैंने यहीं पर कट कर दिया है। अब देखिए इसमें मैं लगाती हूँ पिंक कलर, देखिए यहाँ से मैं लगाऊंगी, देखिए
वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, ये मैंने सिक्स की चेन डाल दी है। अब देखिए वन और एक ये टू, और यहाँ पर थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना इस तरह से। देखिए ये मैंने सिक्स की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालते हुए बुन दिया है। देखिए जैसे मैंने देखिए यहाँ पर बनाया था, स्टार्ट किया था यहाँ पर शुरू में सिक्स की चेन सिंगल क्रोशिया, फिर थ्री की चेन सिंगल क्रोशिया, थ्री की चेन सिंगल क्रोशिया, इस तरह से मैं फिर से ये डिज़ाइन डाल रही हूँ। ये डिज़ाइन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये वाला इसी तरह से डलेगा। ये देखिए मैंने ये अब वन टू थ्री, थ्री की चेन देखिए वन और एक ये टू, और यहाँ पे डालना है टू डबल क्रोशिया को स्किप करना है ऐसे, वन टू थ्री, थ्री की चेन वन और एक ये टू, और यहाँ पे डालना है इस तरह से। देखिए वन टू थ्री, थ्री की चेन वन टू, टू डबल क्रोशिया को स्किप करना है और यहाँ पे डालना है। देखिए इस तरह से, देखिए ये मैंने थ्री की चेन सिंगल क्रोशिया, थ्री की चेन सिंगल क्रोशिया, थ्री की चेन सिंगल क्रोशिया। अब देखिए ये वन टू, ये टू डबल क्रोशिया को स्किप करना है और यहाँ से भी वन टू, टू डबल क्रोशिया को स्किप करना है और बीच में से ये सिंगल क्रोशिया को भी स्किप करना है। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, अब देखिए यहाँ पर मैं सिक्स की चेन डालूँगी, वन टू थ्री फोर फाइव और एक ये सिक्स, और यहाँ पे डालना है सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से, देखिए वन टू थ्री, थ्री की चेन और वन टू, टू डबल क्रोशिया को स्किप करना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना है, वन टू थ्री, थ्री की चेन वन टू, टू डबल क्रोशिया को स्किप करना है, यहाँ पर डालना है नेक्स्ट में, वन टू थ्री, थ्री की चेन वन टू, टू डबल क्रोशिया को स्किप करना है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बुनना है इस तरह से। देखिए थ्री की चेन सिंगल क्रोशिया, थ्री की चेन सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पर भी। अब देखिए यहाँ पर मैं सिक्स की चेन डालूँगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और देखिए वन टू, और ये सिंगल क्रोशिया थ्री फोर फाइव, यहाँ पर डालना है सिंगल क्रोशिया इस तरह से। देखिए अब वन टू थ्री, थ्री की चेन सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री, थ्री की चेन वन और एक ये टू, और यहाँ पर डालना है सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री, थ्री की चेन वन और एक ये टू, और यहाँ पर डालना है सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ही डालते हुए बुनना है। अब देखिए यहाँ पर मैं सिक्स की चेन डालूँगी, वन टू थ्री फोर फाइव और एक ये सिक्स, ये मैंने सिक्स की चेन डाल दी है। अब देखिए फिर मैं यहाँ पर डालूँगी, यहाँ पर डालना है सिंगल क्रोशिया। वन टू थ्री, थ्री की चेन और वन टू, टू डबल क्रोशिया को स्किप करना है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना है, वन टू थ्री, वन और एक ये टू स्किप करना है, वन टू थ्री, देख यहाँ पर मैं सिक्स की चेन डालूँगी, वन टू थ्री फोर फाइव और एक ये सिक्स,
और यहाँ पे डालना है, देखिए सिंगल क्रोशिया, देख 6 की चेन सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, 3 की चेन सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, 3 की चेन सिंगल क्रोशिया, बीच में 1 2 2 डबल क्रोशिया, 3 की चेन और सिंगल क्रोशिया। देखिए अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन और यहाँ पर डालना है सिंगल क्रोशिया इस तरह से। देख जैसे मैंने ये इधर डाली थी 6 की चेन, वैसी मैंने इधर डाली है। 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन और यहाँ पर 1 2, और यहाँ पर डालना है सिंगल क्रोशिया। देख जैसे मैंने ये डाले थे ना शुरू में, वैसी मैं ये डाल रही हूँ। वन टू थ्री, 3 की चेन सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, 3 की चेन, 1 2 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है। देख देख इस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं 6 की चेन डालूँगी, 1 2 3 4 5 6, अभी यहाँ से यहाँ पर डालना है 1 2 2 डबल क्रोशिया, और ये सिंगल क्रोशिया, फिर ये 2 डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर डालना है। जैसे मैंने ये इधर की रो बनाई है, वैसी मैं अब इधर की रो बनाऊँगी, इधर की रो बनानी है। 1 2 3, 3 की चेन सिंगल क्रोशिया, देखिए 1 2 3, 3 की चेन सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 की चेन सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर देना है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए जिस तरह से मैंने ये शुरू में डिज़ाइन डाला था, वैसी मैं डिज़ाइन अब इसमें डाल रही हूँ रो कंप्लीट होने के बाद। जैसे मैंने इसमें ये 10 डबल क्रोशिया डाले थे, वैसी मैं इसमें भी अब 10 डबल क्रोशिया डालूँगी। 10 डबल क्रोशिया डालना है। वन टू थ्री, 3 की चेन और डबल क्रोशिया, ये हो गए 2 डबल क्रोशिया, नाइन और एक ये 10, 10 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए है। देख 10 डबल क्रोशिया, अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेकर बुनना है इस तरह से, फिर 1 2 3, 3 की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेना है, 1 2 3, 3 की चेन और सिंगल क्रोशिया, ये डिज़ाइन रिपीट हो रहा है। अब देखिए इसमें डालूंगी मैं 10 डबल क्रोशिया, जो ये मैंने 6 की चेन बनाई है इसमें 10 डबल क्रोशिया डालना है, 1 2 9 और एक ये 10, 10 डबल क्रोशिया डाल दिए। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेना है इस तरह से, फिर 1 2 3, 3 की चेन
सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, 3 की चेन, सिंगल क्रोशिया, देखिए इस तरह से आ रहा है, 3 की चेन सिंगल क्रोशिया, देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर मैं 10 10 डबल क्रोशिया डालूंगी, जैसे मैंने यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10 20 डाले थे, वैसी मैं यहाँ पर 20 डबल क्रोशिया डालूंगी, 10 10। तो देखिए डालने हैं, अब देखिए 10 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर भी डालना है 10 डबल क्रोशिया, 10, देखिए 10 इधर हैं और 10 इधर है, टोटल 20 है, और यहाँ पर भी देखिए मैंने 10 10 20, इस तरह से डिज़ाइन डल रहा है। बहुत ही इजी है डिज़ाइन डालना। देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेना है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3, 3 की चेन, सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, 3 की चेन, सिंगल क्रोशिया, देखिए जैसे मैंने ये इधर बुना था वैसे मैं इधर बुन रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर डालना है 10 डबल क्रोशिया, नाइन और एक ये 10, 10 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए यहाँ पर डालूँगी मैं 10 डबल क्रोशिया, 1 2, देखिए ये मैंने 10 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 1 2 3 4 5, 10 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी, इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है और ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। पहले इसमें मैंने ये 3 डिजाइन डाले थे, 1 2 3, और 1 2 3, टोटल इसमें 6 थे, और ये फ्रंट में और ये बैक में। और देखिए अब इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी एक बढ़ गया है डिज़ाइन और इधर भी एक बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, इसी तरह से ये डिज़ाइन बढ़ता जाएगा, इसी तरह से ये पोंचो आगे को बढ़ता जाएगा, तरह से आएगा ये, देखिए गला। देखिए अब इसमें मैं 10 डबल क्रोशिया डालूंगी, 1 2 3, 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया डालने हैं, 2, देखिए 10, ये मैंने 10 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेकर बुनना इस तरह से, फिर 1 2 3, 3 की चेन और सिंगल क्रोशिया, देखिए अब देखिए इसी तरह से 10 10 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है, 10, देखिए 10 डबल क्रोशिया, यहाँ पर फिर सिंगल क्रोशिया लेकर बुनना है, फिर 1 2 3, 3 की चेन और सिंगल क्रोशिया, देख यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डाल दिया है, 3 की चेन, अब यहाँ पर डालना है 10 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 की चेन, सिंगल क्रोशिया, अब देखिए यहाँ पर डालना है 20 डबल क्रोशिया डालूंगी मैं यहाँ पर दोनों तरफ, मैंने इसमें ये 20 डबल क्रोशिया डाल दिए,
तरह से सिंगल क्रोशिया लेकर बुनना है। 1 2 3 3 की चेन सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया डालना है। देखिए जैसे मैंने ये इधर की साइड बुनी है, वैसी मैं इधर की साइड बुनूंगी 10 10 डबल क्रोशिया डालते हुए। डबल क्रोशिया। अब ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से जोड़ दिया है मैंने, देखिए यहाँ पर। अब ये रो इस तरह से बनकर आ गई है, इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। 10 10 डबल क्रोशिया डाले हैं मैंने। देखिए 1 2 3 और एक ये 4 4 की चेन और डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 1 चेन डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया डालना है। 1 चेन डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया। देखिए ये हो गए हैं 10 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 10 डबल क्रोशिया हो गए हैं, बीच में 1 चेन। अब देखिए ये 3 की चेन है, यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया डालूँगी इस तरह से, और फिर यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया डालूँगी 10 डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया हो गए हैं ये। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से, और फिर यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया डालना है। टेन डबल क्रोशिया मैंने डाल दिए। देखिए स्लिप स्टिच लेते हुए इस तरह से मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी। देखिए ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। 10 10 डबल क्रोशिया मैंने डाल दिए हैं। अब देखिए इसमें मैं कलर चेंज करती हूँ, दूसरा कलर लगाती हूँ। ये 4 रो इसकी मैंने कंप्लीट कर दी है। ब्लू कलर लगाना है। ये ब्लू कलर लगा रही हूँ। अब देखिए इसमें मैं 6 की चेन बनाऊंगी। अब डिज़ाइन डालना है इसमें। वन टू थ्री फोर फाइव और एक ये 6। देखिए 6 की चेन डाल दी है। अब 1 2 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है, इसमें डालना है इस तरह से। देखिए देखिए 1 2 3 3 की चेन सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 3 की चेन
और सिंगल क्रोशिया। देखिए बीच में टू डबल क्रोशिया को स्किप करना है, वन और एक ये टू, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, वन और एक ये टू, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। देखिए जैसे मैंने ये डाले थे यहाँ पर, इसी तरह से मैं डाल रही हूँ, इसी तरह से रिपीट करना है डिज़ाइन। ये फिर रिपीट हो रहा है डिज़ाइन। वन टू थ्री, थ्री की चेन, वन टू करना है, डालना है सिंगल क्रोशिया। देखिए वन टू थ्री हो गए हैं। अब देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स की चेन, और देखिए वन टू और एक ये सिंगल क्रोशिया, थ्री हो गए और ये डबल क्रोशिया, तो ये टोटल फाइव हो गए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, और यहाँ पे डालना है सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से, इस तरह से ही डालना, वन टू थ्री की चेन सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री की चेन, वन टू, टू डबल क्रोशिया को स्किप करना है, वन टू, टू डबल क्रोशिया को स्किप करना है और यहाँ पर डालना है सिंगल क्रोशिया। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देना है। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है, ये रो बनकर आ गई है इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से ये डिज़ाइन आगे को बढ़ता जाएगा। देखिए इसमें डिज़ाइन बढ़ता जाएगा, पहले एक साइड थ्री थे, वन टू थ्री, फिर इस साइड हो गए हैं वन टू थ्री फोर, अब इसमें फाइव हो गए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, इधर भी वन टू थ्री फोर फाइव, इसी तरह से पोंचो आगे को बढ़ता जाएगा और डिज़ाइन इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। फोर रो में ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा, आगे को बढ़ाना है पोंचो को, पोंचो को आगे को इसी तरह से बढ़ाना है डिज़ाइन को डालते हुए। देखिए इस तरह से मैंने पोंचो को बुनते हुए इतना बड़ा बना लिया है। देखिए देखिए डिज़ाइन के इसमें मैंने ये 10 रो बनाई हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और एक ये 10। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है बनने के बाद। देखिए अब देखिए ऊपर से मैं इसका गला बना देती हूँ और नीचे से मैं पोंपम लगा देती हूँ, पोंपम लगाने हैं और इसका गला बनाना है। अब देखिए मैं गले का बॉर्डर बनाती हूँ। वन और एक ये टू, टू की चेन और हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया डालना है पूरे गले में, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया बुनना है। देखिए इस तरह से आएंगे ये हाफ डबल क्रोशिया, पूरी रो में कंप्लीट करना है हाफ डबल क्रोशिया डालना है। अब देखिए ये फ्रंट साइड आ गई है गले की, अब यहाँ से भी मैं हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी, वन हाफ डबल क्रोशिया, टू हाफ डबल क्रोशिया और ये थ्री हाफ डबल क्रोशिया, ये हो गए हैं
फोर, वन टू थ्री फोर, और एक साथ बुन देना है। यहाँ से मैंने टू हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। अब इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। देखिए ये बैक साइड आ गई है। अब यहाँ से भी मैं हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी। वन हाफ डबल क्रोशिया, टू हाफ डबल क्रोशिया, और एक ये थ्री हाफ डबल क्रोशिया, ये हो गए हैं वन टू थ्री फोर, और एक साथ बुन देना है। देखिए यहाँ से मैंने टू हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरह से रो को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। देखिए ज्वाइन करना है, स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दिया है। देखिए अब वन टू, टू की चेन और हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बुनना है। इसी तरह से बुनना है हाफ डबल क्रोशिया। देखिए ये फ्रंट साइड आ गई है। अब यहाँ पर मैं हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी। वन हाफ डबल क्रोशिया और टू हाफ डबल क्रोशिया, ये हो गए थ्री, और एक साथ बुन देना है। देखिए यहाँ से भी मैंने वन हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। बैक साइड भी मैं इसी तरह से डिक्रीज करूँगी। देखिए अब ये बैक साइड आ गई है गले की। अभी यहाँ पर भी मैं हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी। वन हाफ डबल क्रोशिया और टू हाफ डबल क्रोशिया, ये हो गए थ्री, और एक साथ बुन देना है। यहाँ से भी मैंने वन हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। अब वन टू, टू की चेन और हाफ डबल क्रोशिया। देखिए दूसरी रो मैंने अब इसकी कंप्लीट कर दी है। अब मैं इसकी ये तीसरी रो बना रही हूँ। हाफ डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना। देखिए ये फ्रंट साइड आ गई है। अब यहाँ से मैं हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी। ये हो गए हैं थ्री, और एक साथ बुन देना है। देखिए यहाँ से मैंने वन हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। अब इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है और बैक साइड भी इसी तरह से डिक्रीज करना है। देखिए इस तरह से ये गला आ रहा। देखिए अब ये बैक साइड आ गई है। अभी यहाँ पर भी मैं हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी। वन हाफ डबल क्रोशिया और ये टू हाफ डबल क्रोशिया, ये हो गए थ्री, और एक साथ बुन देना है। देखिए यहाँ से भी मैंने हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है, वन हाफ डबल क्रोशिया को। देखिए इस तरह से आ गया है। इधर से भी देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी, और ये तीसरी रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। वन टू, टू की चेन और हाफ डबल क्रोशिया, इसकी मैं ये चौथी रो बना रही हूँ, फोर्थ रो। देखिए अब ये फ्रंट साइड आ गई है। अब यहाँ से भी मैं डिक्रीज करूँगी। वन हाफ डबल क्रोशिया और एक ये टू हाफ डबल क्रोशिया, ये हो गए थ्री, और एक साथ बुनना है। इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना। अब देखिए बैक साइड आ गई है गले की। अभी यहाँ से भी मैं हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी।
वन हाफ डबल क्रोशिया और टू हाफ डबल क्रोशिया, ये हो गए थ्री, एक साथ बुन देना। देखिए यहाँ से भी मैंने वन हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। देखिए ये गला मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी, देखिए, और स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दिया है मैंने। अब धागे को मैं कट कर देती हूँ। इस तरह से ये गला बनकर आ गया है। देखिए इस तरह से ये गला मैंने कंप्लीट कर दिया है। देखिए पोंचो का गला इस तरह से बनकर ये आ गया है। देखिए गले का बॉर्डर बनाने के बाद इसमें अब मैं पोंपम लगा देती हूँ। देखिए अब मैं पोंपम बना देती हूँ, पोंपम बनाना है। ये पोंपोम मैंने बना लिए हैं, अब इनको मैं लगा देती हूँ। उल्टा करने के बाद लगाना है। देखिए मैं इसमें फाइव धागे लूँगी। ये मैंने फाइव धागे ले लिए हैं, बराबर करने के बाद ही लगाना है। यहाँ पर बांधना है। देखिए इस तरह से मैंने ये पोंपोम बांध दिया है। सारे पोंपोम इसी तरह से बांधने हैं। फोर फाइव धागे लेकर बांधने। देखिए फाइव धागे बांधने, जो छोटे बड़े हैं उनको इस तरह से कट कर देना है। देखिए इस तरह से कट कर देना है और पूरे में इसी तरह से लगाना है पोम पोम को। बराबर करने के बाद ही लगाना है, इस तरह से बांधना है। देखिए इस तरह से मैंने ये बांध दिया है। अब मैंने ये सारे में पोंपोम लगा दिए हैं, फ्रंट से भी और बैक से भी, दोनों तरफ से मैंने ये लगा दिए हैं पोंपोम। देखिए नीचे से मैंने ये पोंपोम भी लगा दिए हैं दोनों तरफ से, फ्रंट से और बैक से। और देखिए मैंने ये गला भी बना दिया है। अब ये पोंचो कंप्लीट हो गया है। आप देखिए मेरे को कमेंट में लिखिए कि ये पोंचो आपको कैसा लगा। मेरे को ये पोंचो बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए ये पोंचो अब मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।